और इस सबके बीच स्थिति कैसे संभलेगी, क्या पाना जरा मुश्किल नजर आ रहा है। जीरे अली एनसीआर हरियाणा के एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको जीरे एनसीआर हरियाणा के माध्यम से दिखा रहे हैं और दिल्ली वालों को मेयर का इंतजार है, लेकिन यहां आम आदमी पार्टी के पार्षदों और भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों में जरा भी सब्र नजर नहीं आ रहा है। वे लगातार खींचतान कर रहे हैं और ये सिर्फ हाथापाई या खींचतान तक स्थिति अगर संभल जाए तो बहुत बेहतर होगा, लेकिन अभी की ताज़ा स्थिति यह है कि सभी जो पार्षद हैं वो एक दूसरे से भिड़ते नजर आ रहे हैं। हालांकि पुलिस बल वहां पर मौजूद है, लेकिन पुलिस कर्मी जो बीच बचाव कर रहे हैं वो कोशिश तो कर रहे हैं कि किसी तरह से इन्हें रोका जा सके, लेकिन ये कब तक इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी कह पाना जरा मुश्किल है। इस वक्त की बड़ी खबर सिविक सेंटर से, जहां पर सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सिविक सेंटर में लात घूंसे चल रहे हैं सदन में और जो सदन की मर्यादा है उसके बारे में तो चयनित सदस्य ही नहीं सोच रहे, पार्षद नहीं सोच रहे, तो आखिर और किससे क्या उम्मीद की जाए। चुने हुए पार्षद वोट करेंगे, जो मनोनीत सदस्य हैं उनको वोट करने का अधिकार नहीं है, ऐसा कहना वहां पर मौजूद आम आदमी पार्टी के पार्षदों का। फिलहाल दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सदन में, जहां लात घूंसे चले वहीं दूसरी तरफ हंगामे से जुड़ी हुई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ये जो तस्वीर दोनों ही अपने आप में सब कुछ बयां करती हुई, वर्तमान स्थिति को बयां करती हुई दिल्ली से ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मेयर का चयन होना था आज और मेयर का चयन होने के अलावा सब कुछ यहाँ पर हो रहा है और इसके लिए अब एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने वाले हैं सभी। पार्षद इनके साथ नहीं है और ये चाहते ही नहीं है कि इस हाँ अब उसका मैं हम क्या कर सकते हैं। नैतिक रूप से आम आदमी पार्टी चुनाव से भाग चुकी है और अब संविधान सम्मत निर्णय लेना चाहिए। तो मनोज तिवारी